नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी YouTube चैनल में जिसका नाम है AYT इंडिया अकेडमी। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है AD कापा। आज की वीडियो हम जानने वाले हैं कि AD कापा मेथड क्या है और इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं AD मेथड है क्या। AD की फुल फॉर्म होती है 8 disciplines. AD इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज्ड ग्लोबली इन अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बाय क्वालिटी इंजीनियर्स एंड ऑपरेशंस मैनेजर्स। 8D या 8 डिसिप्लिन प्रॉब्लम सॉल्विंग का ऐसा मेथड है जिसको ग्लोबली यूज किया जाता है। इसे मोस्टली जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और उसमें भी ज्यादातर ऑटोमोबाइल कंपनीज ही इस्तेमाल में लेके आती हैं। तो जितने भी व्यूअर्स ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें ताकि वो जो 8D मेथड को लेके उनके डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकें। द पर्पस ऑफ 8D प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज टू आइडेंटिफाई करेक्ट एंड प्रिवेंट द प्रॉब्लम। मतलब जो मेन उद्देश्य है 8D मेथड का वो ये है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकें, उसको करेक्ट कर सकें, ठीक कर सकें और प्रिवेंट कर सकें कि वो दोबारा से उभर के ना आए। दोस्तों 8D मेथड को सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था फोर्ड मोटर कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने ही इसको सबसे पहले इस्तेमाल किया। 8D मेथड जो है वो PDCA साइकिल अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि हम PDCA साइकिल के अंदर चार स्टेप के अंदर पूरी साइकिल कंप्लीट होती है, इसमें 8 स्टेप के अंदर हमारी साइकिल कंप्लीट होती है। जिन व्यूअर्स ने मेरी PDCA वाली वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आपको एक आई बटन दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके PDCA साइकिल वाली भी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं कि जो 8 डिसिप्लिन्स हैं या 8D है उसके 8 स्टेप क्या क्या हैं। दोस्तों सबसे पहला जो स्टेप होता है जिसको हम D1 बोलते हैं, D1 है हमारा टीम फॉर्मेशन। हम इसमें क्या करते हैं, स्टेप 1 के अंदर जो भी प्रॉब्लम आई उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टीम फॉर्म करेंगे। सेकेंड स्टेप आता है हमारा प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन जिसको हम D2 बोलते हैं। D2 के अंदर हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कैसे आई और कहां आई। तो D2 के अंदर हम प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी चीजें डिस्क्राइब कर देंगे। इसके बाद आता है D3। D3 क्या होता है, हमारा इंटरिम कंटेनमेंट एक्शन। D3 के अंदर हम क्या करते हैं कि जो वो समस्या हमारी आ गई, चाहे कस्टमर एंड पे आई या इंटरनली आई, हमें पता चल गई ये समस्या है तो उसको हमें वहीं स्टॉप कर देना है और कंटेनमेंट एक्शन लेना है तुरंत कि वो समस्या और ना फैले। जैसे कि अक्सर क्या होता है कि अगर कस्टमर एंड पे प्रॉब्लम आ जाती है तो हम क्या करते हैं, जो अपने यहाँ पे जो पर्सन होता है उसको भेजते हैं और जाके मटेरियल को सॉर्ट आउट कराते हैं। तो जो हमने क्या किया, टेम्पररी एक्शन लिया, तुरंत एक्शन लिया, उसको हम क्या बोलेंगे, कंटेनमेंट एक्शन। ये हमारा आता है D3 के अंदर। इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप है D4। D4 के अंदर हमें क्या करना है, रूट कॉज एनालिसिस करना है या रूट कॉज को पहचानना है। रूट कॉज को एनालाइज करने का या पहचानने का जो तरीका है वो हमारा है रूट कॉज एनालिसिस, जिसको हम इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं या फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं, या एक और जो मेथड है वाई एनालिसिस, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को वाई एनालिसिस के बारे में जानकारी नहीं है, ऊपर एक आई बटन दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके वाई एनालिसिस के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद आता है D5। D5 स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमें रूट कॉज मिले, D4 स्टेप के अंदर हमने जो रूट कॉज आइडेंटिफाई की है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, परमानेंट करेक्टिव एक्शन इंप्लीमेंट करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं D5 इज डेवलप द परमानेंट करेक्टिव एक्शन। हमने परमानेंट करेक्टिव एक्शन लेने हैं उस प्रॉब्लम को रोकने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है वैलिडेट द परमानेंट करेक्टिव एक्शन D6। D6 के अंदर जो हमने परमानेंट करेक्टिव एक्शन लिए उनको हम वैलिडेट करेंगे कि हमने जो एक्शन लिए उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा या नहीं पड़ा। ऐसा तो नहीं है हमने उनको एक्शन तो ले लिया लेकिन हमारी प्रॉब्लम जो की तो बनी हुई है या दोबारा आ गई, तो हमने क्या करना है, उसको वैलिडेट करना है जो हमने एक्शन लिया उससे क्या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई या नहीं हुई। इसके बाद आता है स्टेप D7। D7 स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, प्रिवेंटिव एक्शंस लेने हैं, आइडेंटिफाई एंड इंप्लीमेंट प्रिवेंटिव एक्शंस। जैसे हमने रूट कॉजेस के ऊपर करेक्टिव एक्शन लिए तो हमने पोटेंशियल कॉजेस के ऊपर क्या करना है, प्रिवेंटिव एक्शन ले लेने हैं जो कि हमारी समस्या कभी भी दोबारा लौट के ना आए। जिन लोगों को करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में जानकारी लेनी है उन्हें ऊपर एक आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके वो कापा के बारे में जान सकते हैं।
इसके बाद सबसे लास्ट स्टेप आता है हमारा D8। D8 क्या है? टीम रिकॉग्निशन। D8 के अंदर हम टीम को रिकॉग्नाइज करते हैं, जिस टीम ने इस प्रॉब्लम के ऊपर काम किया, 8D को इम्प्लीमेंट किया, उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे और हम सेलिब्रेट करेंगे अपनी जो हमने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करी है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। D1 क्या है? टीम फॉर्मेशन। D2 क्या है? प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन। D3 है इंटरिम कंटेनमेंट एक्शन। D4 है रूट कॉज एनालिसिस या आइडेंटिफाई द रूट कॉजेस। D5 है डेवलप परमानेंट करेक्टिव एक्शंस। D6 है वैलिडेट द परमानेंट करेक्टिव एक्शंस। D7 है आइडेंटिफाई एंड इंप्लीमेंट प्रिवेंटिव एक्शंस। D8 है टीम रिकॉग्निशन। अब हमने 8 के 8 स्टेप जान लिए। अब स्टेप जानने से हम इसको इंप्लीमेंट तो कर नहीं पाएंगे, तो अब जान लेते हैं कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम मिलती है कस्टमर एंड पे या इंटरनली और हमें 8D कापा अप्लाई करना हो तो हम कैसे करें। 8D को अप्लाई करने का जो मेथड है वो है 8D कापा फॉर्मेट। ये एक फॉर्मेट होता है, डिफाइंड फॉर्मेट है, जिसके हिसाब से हम चलते हैं। डिफाइन का मतलब ये है कि इसके अंदर स्टेप डिफाइन होते हैं D1, D2, D3 से लेके D8 तक, लेकिन वो रिजिड नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने जो अगर D1 है, D1 में कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वही यूज करना है। D1 है टीम फॉर्मेशन। अब टीम फॉर्मेशन के अंदर हर कंपनी अपने हिसाब से डेटा फिल कर सकती है। इसी तरीके से जो D2 है प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर भी कंपनी स्पेसिफिक फॉर्मेट यूज किया जा सकता है। तो हमने क्या है, 8D कापा फॉर्मेट के लिए रिजिड नहीं होना है कि हमने कि एक रिजिड फॉर्मेट मान लिया उसी को इम्प्लीमेंट कर देना है। हम उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। बस हमारे जो 8 के 8 पॉइंट्स हैं वो कवर होने चाहिए और हम प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने चाहिए और उस पर एक्शन लें और उसका पर्पज जो है 8D कापा को करने का वो हमारा हल हो। दोस्तों होता क्या है कि हमारी कंपनीज में ना हम 8D कापा भर के दे देते हैं, लेकिन क्या होता है कि समस्या दोबारा से वापस आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 8D कापा को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो हमने क्या करना है, जब हम 8D कापा को भरें या उस पर एनालाइज करें या एक्शन लें तो हम पूरा अपने सिस्टम के हिसाब से चलें ताकि प्रॉब्लम दोबारा ना आए। 8D कापा इम्प्लीमेंट करने के बाद प्रॉब्लम कभी दोबारा उत्पन्न नहीं होगी। चलिए दोस्तों अब एक फॉर्मेट देख लेते हैं 8D कापा का, कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है हम 8D कापा का फॉर्मेट कैसे भरेंगे। तो दोस्तों 8D कापा का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। इसमें क्या है, सबसे टॉप एंड पे हमने क्या करना है, हमने इसमें जो किस कस्टमर से प्रॉब्लम आई, कब आई, वो सारी चीजें जो है मतलब ब्रीफ में सारी चीजें भर देनी है, इंट्रोडक्टरी चीजें यहाँ पर डालनी है। इसके बाद जो हमारे क्लॉजेज हैं या हमारे स्टेप्स हैं D1, D2, D3 अप टू 8, वो हमारे शुरू हो जाते हैं। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो D1 हो गया यूज ए टीम अप्रोच। हमें यहाँ क्या करना है, टीम फॉर्म करनी है। टीम फॉर्म करने में हमें क्या ध्यान रखना है, क्रॉस फंक्शनल टीम होनी चाहिए, हर डिपार्टमेंट से लोग होने चाहिए ताकि अगर कोई प्रॉब्लम किसी भी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो तो वो पर्सन वहां पे मौजूद हो। तो हमने क्या करना है, क्रॉस फंक्शनल टीम बनानी है जिसमें प्रोडक्शन, क्वालिटी, डिजाइन, डेवलपमेंट, टूल रूम वाले पर्सन मौजूद हो। इसके बाद आ जाता है D2। D2 में हमें क्या करना है, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या फॉर्मेट यूज करना है या क्या मेथड यूज करना है, हमें मेथड यूज करना है 5W1H, जिसके अंदर पहला W होता है व्हाट। व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, व्हाई इट इज इट अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्यों है। व्हेन वाज द प्रॉब्लम डिस्कवर्ड, कब प्रॉब्लम आई, वेयर कहां पे आई, बाय हूम किसने डिटेक्ट किया, हाउ कैसे डिटेक्ट हुई, हाउ मेनी कितने पार्ट में हमें मिली। तो हमने क्या करना है, 5W+1H मेथड को यूज करना है प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने के लिए। इसके बाद आ जाता है D3। D3 में हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट एंड वेरीफाई द कंटेनमेंट। जो हमने आपको बताया कि कंटेनमेंट एक्शन क्या है, टेम्परेरी एक्शन। हमने कंटेनमेंट एक्शन क्या लिया प्रॉब्लम के आने पे। जनरली क्या होता है कि कस्टमर एंड में जब प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें जाके मटेरियल को सॉर्ट करना पड़ता है कि प्रॉब्लम और आगे ना बढ़े और कस्टमर की लाइन ना रुके। तो हमने क्या किया, टेम्परेरी एक्शन ले लिया कि हमने सॉर्टिंग कर दी। इसके बाद आ जाता है मेरा D4। D4 क्या है, रूट कॉज एनालिसिस या आइडेंटिफाई द रूट कॉजेस। रूट कॉज को एनालाइज करने का या आइडेंटिफाई करने के लिए हम दो मेथड यूज कर सकते हैं, एक है Y-Y एनालिसिस या 5-Y एनालिसिस, दूसरा है इशिकावा एनालिसिस या फिशबोन डायग्राम एनालिसिस। तो हम क्या कर सकते हैं, रूट कॉज को एनालाइज करने के लिए दोनों में से भी कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं।
जिन्हें 5Y एनालिसिस के बारे में जानना है, ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके 5Y एनालिसिस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद आता है स्टेप 5, D5, डेवलप परमानेंट करेक्टिव एक्शन। परमानेंट करेक्टिव एक्शन हमने क्या लिए, जो हमें रूट कॉजेज मिले D4 में, हमें पता चल गया कि ये रूट कॉजेज हैं जिनकी वजह से समस्या आई, तो हमने D5 के अंदर क्या करना है, एक्शन ले लेना है कि ये प्रॉब्लम को हम कैसे रोक सकते हैं या हम उसको कैसे रोकेंगे, हमने एक्शंस ले लिए। इसके बाद आता है D6। D6 में क्या करना है हमें, वैलिडेट परमानेंट करेक्टिव एक्शंस और सॉल्यूशंस। जो हमने D5 के अंदर परमानेंट करेक्टिव एक्शन लिए, उनको क्या करेंगे, हम वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट कैसे करेंगे, हम डेटा कलेक्ट करेंगे। जो हमने एक्शन ले लिया शॉप फ्लोर के ऊपर, चेंजेस कर दिए जो चेंजेस करने थे, फिर हम उसके बाद डेटा लेंगे कि क्या वो प्रॉब्लम दोबारा तो नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो हमारा वैलिडेट हो गया, परमानेंट करेक्टिव एक्शन हमने जो लिया था वो ठीक था। अगर नहीं लिया तो हमें दोबारा से रूट कॉज एनालिसिस करने की जरूरत है। इसके बाद आ जाता है D7, प्रिवेंट रिकरेंस। तो हमने इसमें क्या करना है, प्रिवेंटिव एक्शंस लेने हैं। D7 के अंदर हम प्रिवेंटिव एक्शंस लेंगे। करेक्टिव एक्शंस लिए हमने रूट कॉजेस के ऊपर, और प्रिवेंटिव एक्शन हम लेंगे पोटेंशियल कॉजेस के ऊपर। पोटेंशियल कॉजेस पे जब हम एक्शन ले लेंगे तो हमारे जो FMEA है, कंट्रोल प्लान है, वर्क इंस्ट्रक्शन है, मेंटेनेंस प्लान है, ये सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी। प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि कहीं ये समस्या सेम पार्ट में या सेम लाइन पे तो नहीं आएगी। तो अगर हमें लगता है कि ये सेम पार्ट पे भी आ सकती है या सेम फैमिली में भी आ सकती है, तो हमने सेम पार्ट या सेम फैमिली के ऊपर भी प्रिवेंटिव एक्शन लेने हैं। इसके बाद आता है लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप क्या है हमारा, क्लोज प्रॉब्लम रिकॉग्निशन कंट्रीब्यूशन। यहाँ प्रॉब्लम को हम क्लोज कर देंगे और टीम को रिकॉग्नाइज करेंगे, जिसने काम किया है उनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनको उनके काम के लिए। लास्ट में जो आपको दिख रहा होगा, एनक्लोजर्स और अटैचमेंट। एक्चुअली क्या होता है कि हम सारी डिटेल जो है कापा फॉर्मेट में नहीं भर पाते हैं कई बार, तो हम क्या करते हैं, एज ए अटैचमेंट हम शीट लगा देते हैं। जैसे हमने इज नॉट शीट इसमें लगा रखी है, इशिकावा शीट हमने लगा दी, वाई एनालिसिस हमने इसमें लगा दिया, या हमने जो डेटा वैलिडेट किया वो हमने एज ए एनक्लोजर या एज ए अटैचमेंट यहाँ पे मेंटेन कर दिया या हमने उसको लगा दिया। तो दोस्तों, इस तरह से आप 8D कापा फॉर्मेट का यूज करके किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं और उसको प्रिवेंट कर सकते हैं दोबारा आने से। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के अंत में बताता हूँ, हमारी कंपनी की एक और सर्विस है जिसके अंडर हम ऑन साइट ट्रेनिंग और साथ ही साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं इन सारी चीजों से रिलेटेड। जिसे भी इस तरीके की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो, वो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद।